हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था, 5471 सब एरिया पठानकोट ASC, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर सिविलियन मोटर ड्राइवर के एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हो रहे थे, तो लेबर के एडमिट कार्ड आ चुके थे, लेकिन अभी सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के भी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं आपके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ASC ड्राइवर के अंदर फिजिकल कितना होगा, रिटर्न कैसा आएगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपका रिटर्न एग्जाम किस डेट को होगा। तो आप वीडियो को पूरी देखते रहना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है हमारे, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके भी मांग सकते हो, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो और इसके अलावा आपके जो डाउट हो, क्वेश्चन हो, वो अभी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा के उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ कि आपकी कितनी पोस्टों पर कितने आपके क्या उसका रहने वाला है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स की वहाँ पे आपकी कंपटीशन रहने वाला है। तो चलो चलते सीधा नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये हमारा नोटिफिकेशन था, जो हमारी मई जून के अंदर जो वैकेंसी आई थी कि, तो उसका ये रिक्रूटमेंट नोटिस 1/2021 था। हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड के अंदर आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी थी, सिविलियन जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक MT सेक्शन है यहाँ पे पठानकोट में, जो कि आपका पठानकोट रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है आपका। तो इसके अंदर टोटल 27 वैकेंसी थी ड्राइवर की, सबसे ज़्यादा इसके अंदर SC की वैकेंसी थी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ST OBC के लोग भर नहीं सकते, लेकिन वो जर्नल में काउंट होंगे तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका 2 साल का हैवी लाइसेंस मांगा गया था और क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास। तो आप ये देख सकते हो कि इसके भी एडमिट कार्ड इश्यू हो चुके हैं। व्हीकल मैकेनिक का एक पोस्ट था, फायरमैन के भी एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले जल्दी, और इसके अलावा लेबर के एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं। तो आप सभी का फिजिकल वहीं पे होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फिजिकल का ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक कोई सामने नहीं आया है कि किस प्रकार से लेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने अपने सूत्रों से जानकारी निकाली है कि फिजिकल इसका क्या रहने वाला है, तो फिजिकल के अंदर उन्होंने भी यही बोला है कि वहाँ पे जो बोर्ड होता है, जो वहाँ पे ASC सेंटर पठानकोट के अंदर जो फौजी होते हैं या जो ऑफिसर रैंक के वो होते, ऑफिसर रैंक के जो भी अधिकारी होते, तो वो आपके बोर्ड ऑफिसर विल बी डिटेन टू कंडक्ट फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। तो वही आपका वहाँ पे सोचेंगे कि इनसे क्या लेना है, किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। ज़्यादा बच्चे हैं तो उससे थोड़ा टफ रेस लेंगे, अगर कम बच्चे हैं तो उस हिसाब से 7 मिनट का टाइम भी पूरा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 6:30 ही पूरा मिलेगा, 7 मिनट का मिल सकता है ड्राइवर को, लेकिन लेबर को 6, 6:30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 6:30 लिख रखा है, लेकिन उन्होंने 6 मिनट ही देते हैं, 6:10, 5 तक ही टाइम आपको मिलेगा। तो अच्छी तैयारी करके जाना, अन्यथा आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कि बोर्ड डिसाइड करेगा। जहाँ तक मैं आपको अपनी सलाह देता हूँ, तो आप 1600 मीटर की तैयारी करके जाओ 6 मिनट की, कोई ज़्यादा ऐसा इश्यू है नहीं, लेकिन ड्राइवर भाइयों के लिए इश्यू है, लेबर वालों के लिए आप सोच सकते हो, तो वैकेंसी काफ़ी कम है। तो वैसे देखते हैं, अगर किसी का पहले आ जाता है तो एडमिट कार्ड लेबर वाले से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ड्राइवर वालों से क्या प्रोसेस लेंगे या लेबर का क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल कोई चेंजमेंट तो नहीं किया गया, क्योंकि वो 2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की बात है, जब लेबर के में 1600 मीटर का फिजिकल 6 मिनट में लिया गया था। फायरमैन का आप देख सकते हो कि ये शायद फायरमैन का ये प्रोसेस हो सकता है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ ड्राइवर की बात करेंगे। रिटर्न टेस्ट में जो मैं आपको बता रहा था, जो रिटर्न टेस्ट के अंदर जो 50 नंबर का सेक्शन आएगा, वो आपके ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूडिंग कर रखा है कि ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिख रखा है। तो इसका मतलब ट्रेड स्पेसिफिक, तो हम अगर ड्राइवर के बंदे हैं तो ड्राइवर संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेबर से कोई संबंधित है तो उस प्रकार के लेबर ट्रेड के उनको नंबर आएंगे, फायरमैन का है तो फायरमैन से संबंधित आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये 50 नंबर, अगर ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो। इसके बाद चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाई, तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दीपक भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सोनीपत गोहाना तहसील से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते रहेंगे इस भर्ती से रिलेटेड या किसी भर्ती से रिलेटेड। तो सबसे पहले दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये आप देख सकते हो, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के अंदर आपका एडमिट कार्ड देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा
कहाँ पे आपका वेन्यू होने वाला है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो हरियाणा का एडमिट कार्ड है, ये कॉलम जो हम एक एडमिट कार्ड का जो ये कॉलम भरते हैं तो उसमें लिखा होता है ऑफिस यूज, आप इसे ना भरे। तो ये आप देख सकते हो वेन्यू ऑफ फिजिकल प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट, सारी चीज़ आपकी यहीं पे होगी, जो रिसेप्शन सेंटर रिक्रूटमेंट सेल 5471 AIC बटालियन है, जो बर्फानी मंदिर अपोजिट SD कॉलेज पठानकोट कैंट। तो ये आपका SD कॉलेज के पास में पड़ता है बर्फानी मंदिर, एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, तो पंजाब उधर पठानकोट के अंदर। तो जस्ट उसके बाजू में आपको रोड पे ही दिख जाएंगे बच्चे बैठे हुए, वो रोड पे ही बिल्कुल AIC का MT सेक्शन। तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं या पैदल पैदल भी आप जा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। तो ये उसका आप देख सकते हो कि 5471 AIC बटालियन का ड्राइवर का एडमिट कार्ड है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने सबसे पहले तो नहीं बोल सकते, किसी और अदर चैनल वालों ने भी बना दी होगी वीडियो अगर उनको पहले मिल जाता है। इसमें इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पहले मिल जाए तो वीडियो वो पहले बना देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम भी ऑफलाइन फॉर्म जो निकलते हैं उसके अंदर काम करने लग गए हैं कि ऑफलाइन, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कब आएगा एडमिट कार्ड, कब किस भर्ती का एडमिट रिजल्ट कब आएगा। तो हमने भी थोड़ा सा इसके अंदर कदम रखा है, तो ज़रूर आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें अगर आपकी इच्छा है तो, अन्यथा जिनको इच्छा है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा इसका जो PDF साथ में आया है वो फोटो और दिखा देता हूँ उसका एडमिट कार्ड का। तो ये दीपक भाई ने थोड़ा फोटो धुंधला भेजा है, लेकिन वो अभी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं, जॉब करते हैं। तो 7 सितंबर 2021 को ये आपके वहाँ से शायद भेजा गया था डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से जिससे भी भेजा था। तो वहाँ पे 7 सितंबर को AIC सेंटर वालों ने रिलीज कर दिया था एडमिट कार्ड हमारे घर के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा है कि कॉल लेटर फॉर टेस्ट फिजिकल, जो कि 71 सब एरिया के अंदर है, यहाँ पे भी आपका लिखा है। तो इसके अंदर मैं आपको जो मेन बात है वो बता देता हूँ, यू हेयर बाय इन्फॉर्म, आपको सूचित किया जाता है आपको रिपोर्ट करनी 30 सितंबर 2021 को 6:30 बजे इसी सेंटर पे, और लास्ट आपकी 8:30 बजे तक एंट्री होने वाली है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत अच्छा AIC सेंटर ने किया है कि उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी साथ साथ ही दे दी, तो हैट्स ऑफ है AIC सेंटर को। 5 अक्टूबर की टेंटिव शेड्यूल है, तो अच्छा सब कुछ अच्छे ठीक तरीके से पूर्ण हो जाता है, तो आपका 5 अक्टूबर को रिटर्न एग्ज़ाम भी ले लेंगे। तो अपनी थोड़ी सी 5-7 दिन की वहाँ पे आप थोड़ी तैयारी करके जाएँ डटने के लिए, अपने थोड़े पैसे वैसे का जुगाड़ करके जाएँ। तो अगर नहीं है तो वापस भी आ सकते हैं आप, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन तो देखते हैं क्या कुछ होता है वहाँ पे प्रोसेस, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाइड कर लोगे, प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर लोगे, तो उन्होंने लिख रखा है कि मैं कहाँ दिखाऊँ कहाँ पे था वो, तो ये लिख रखा उन्होंने, एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर टू कैंडिडेट ओनली क्वालिफाइंग फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। तो उन्होंने कहा है कि फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद आपको एडमिट कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाएगा उधर ही तुरंत बोर्ड ऑफिसर द्वारा। तो इसके अंदर सबसे तो मैं सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, तो वीडियो ज़रूर आपने पूरी देखी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, कि कैंडिडेट मस्ट कैरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तभी आप अंडरटेक फिजिकल दे पाओगे रिक्रूटमेंट का। तो यार ये ज़रूर आप बनवा के लेके जाए, इसकी वजह से अगर ये नहीं लेके जाओ आप और वहाँ पे बाहर डिस्क्वालीफाई कर दे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर बनवा के लेके जाएं, अगर उन्होंने मेंशन किया है तो यार बनवा के ले जाने में क्या वो है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना, फोटोकॉपी भी लेके जाना सबकी। तो हमारे इधर बारिश भी आ गया है, तो इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी मिस हो गई तो आप ज़रूर, मैंने जो पहले बताया था व्हाट्सएप ग्रुप है, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपसे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।
Thank you.